रिलेशनशिप में जब मैं था तो मैंने चीट किया है। Hold up. Am I in focus? So what is up, people of the internet? This is Vandit and welcome back again to my channel, Mr. V Vlogs. And finally, आज वो दिन आ गया जब अपने चैनल पर पहला Q&A वीडियो डालने वाला हूँ. So those of you don't know, मैंने अपने Instagram और Facebook और अपने WhatsApp पे status pages, story pages डाला था कि yeah, I'll be doing a Q&A video. ताकि वो questions हैं related to anything, just DM me, send me or post me and I'll answer your questions. So without any further ado, let's start the video. And our first question is coming from Anubhav Singh, Anubhav.Singh12. By the way, I know him. He's like mera bade bhai jaisa hai, Lucknow mein hai. He also have a YouTube channel which goes by the name GC Creation. So do check it out. And the question padh lete hain. Inhone actually 3 questions bheje hain. And inhone bola ki choose any one. Third question jo mujhe sabse interesting laga, jo main choose karne wala hu, wo hai ki do you take YouTube as career or it's still a platform to share your life but nothing in return and you are happy to settle down with a decent paying job? How serious are you about YouTube professionally? Those are very interesting questions and I'm going to answer the third question. Do you take YouTube as a career? Definitely no, I don't take YouTube as my career. Dekho, YouTube ka simple funda hai. YouTube jab maine start kiya tha na, I started for it for the love of motorcycles and love of making videos. Jo maine apne पहले के जब मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, जब 12-13 सब्सक्राइबर है तभी मैंने बात बोली थी. तो उस सेंस में मैंने YouTube स्टार्ट किया था. आई जस्ट लव मेकिंग वीडियोज़ एंड द थिंग इज़ के अगर मेरे पास के बारे में पूछो तो स्टार्टिंग से बिफोर YouTube वॉज इवन अ थिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था उस समय यूट्यूब एग्जिस्ट भी करता नहीं, बट मैं तब से ही ऐसा पावर पॉइंट पे ऐसा फोटोज की स्लाइड बनाता था एंड छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड कर बनाता था दोस्तों के फ़ोन से या जो भी है डिवाइस होते थे. सो आई ऑलवेज लव मेकिंग वीडियोज. सो या एंड फिर मोटरसाइकिल्स लाइफ में आए, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा मोटो ब्लॉगर्स को एंड हेंस दिस यूट्यूब. सो आई विल नेवर टेक दिस एज माय मेन करियर, बट अगर बोले ना अगर यूट्यूब चल गया अच्छा खासा, इससे भी इनकम आने लगी तो पैसे किसको नहीं पसंद है. सो आई वुड लव टू कंटिन्यू डूइंग दिस एज माय करियर, यू नो, एज अ प्रोफेशनल आई वुड लव टू बी अ यूट्यूबर इफ दैट एवर हैपेंस. एल्स कोई बात नहीं यार, आई लव मेकिंग वीडियोस, आई विल बी मेकिंग वीडियोस. Let's move on to our next question. Next question is from Sejal underscore Sejal Seth underscore. बहुत interesting question है इनका, आप सुनिएगा. क्या चालू कर रखा है? What the Sejal, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर फुल डिस्क्लोजर मैं पहले दे देता हूँ. Sejal is not any just stand up person, he is one of my best friends. यार लड़कियाँ लड़के best friends लाती कहाँ से? तूने कभी सुना है कि मैं किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड हूँ? ये ठाकुर की कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड हो जिससे वो घंटों फोन पे बतिया रहा हो? ये कौन से लड़के होते हैं जो हमें नजर नहीं आते? कहाँ छुप के बैठते, कहाँ मिलते, करते क्या है? I'm not offended by it. ऐसे मैं offend नहीं होता, मैं बहुत rarely offend होता हूँ. सो क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैम इसे Q&A वीडियो बोलते हैं. मैंने जब से यूट्यूब चालू किया मैंने आज तक कोई भी Q&A वीडियो नहीं किया है. सो एक तरह की प्रथा है, अगर यूट्यूबर्स के पास कंटेंट नहीं बचता है, आइडिया नहीं आता, तो वो Q&A वीडियो बनाते हैं. So hence the Q&A video. Moving on to your next question. 298 underscore witness पूछते हैं Bullet 350 या Classic 350? ये Bullet 350 Classic 350 अलग अलग में क्या? मुझे अपना कंफर्म भी नहीं है. So I don't know ma'am. See to be honest, Royal Enfield की मुझे सिर्फ तीन बाइक पसंद, Continental GT 650, Interceptor 650 and Royal Enfield Himalaya. बाकी मुझे इसकी जो Bullet lineup है या जो Classic 350 lineup है, I don't really like it. They are just like ओवर एक्सपेंसिव विंटेज मशीन्स. इसमें पर्सनल पर्सपेक्टिव, बट या मुझे ऐसा 350 में बुलेट ही कोई बाइक नहीं, नीदर इन 500, जस्ट दिस 650 इज एन द हिमालय. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडरस्कोर जे फोटोग्राफी पूछते हैं कभी ऑडियो प्रॉब्लम फेस किया है अपने दिन भर ब्लॉग करने के बाद ऑडियो नहीं आया? अरे भाई साहब क्या पूछ लिया इसने, मतलब जले पे नमक छिड़क दिया मेरे भाई. देख भाई मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ उस पर एक एक्सटर्नल माइक कनेक्ट होता है जो बोया का मैं यूज़ करता हूँ, एंड जो मेरा ऑडियो जाएगा ना कभी कभी थोड़ा इट वर्क्स वियर्डली, आई डोंट नो व्हाई, कुछ प्रॉब्लम होगी. तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसा प्लग इन करना भूल जाता हूँ मैं, या फिर नहीं होता. मोटो ब्लॉग करते टाइम कितनी बार होता है कि मैं अपने माइक कैमरे में मतलब एक्शन कैम में माइक प्लग इन करना भूल जाता हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड करके भरा तो देखता हूँ, इतना दिमाग खराब होता है ना, मन करता है कैमरा उठाए बहुत. एनी वेज लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय देवराज अंडरस्कोर डीजे डीजे भाई तेरा डीजे. सो देवराज भाई ने पूछा है कि ब्रो यू आर डूइंग एवरीथिंग परफेक्ट, वी
dot perfect, then the okay emoji. Do share your good memories of your channel. First of all, thank you Devraj bhai for the, you know, इतनी अच्छी चीज बोलने के लिए मेरे को शुक्रिया दिल से. अगर देखो आप लोग के वैसे चैनल है और मैं हूँ, अगर आपको चैनल देखोगे तो फिर काहे का चैनल जाएगा. मैं अपने YouTube, जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया तब से लेके आज तक मैं अपने सबसे बेस्ट मेमोरी, वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी शेयर करता हूँ. सो द थिंग इज कि एक बार की बात है, आई गेस लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर विंटर्स की बात है, जब मैंने लखनऊ महोत्सव वाला वीडियो बनाया था. तो जो लखनऊ महोत्सव वाला वीडियो, मतलब उतना कुछ नहीं बट उसमें अच्छे खासे उस टाइम पे 3-4 हज़ार व्यूज आ गए थे विद इन द अपलोडिंग, लाइक अपलोड करने के 2 दिन के अंदर. तो आई वेंट टू अ प्लेस एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन लखनऊ में ही, गोमती नगर में. एंड एक ऊबर ड्राइवर वाला आया, उसके मेरे दोस्त आए तो, एंड जो ऊबर ड्राइवर वाला बंदा था उसने कार मेरे बगल में आकर रुक गया. ही वॉज लाइक, आप मिस्टर वी हो ना? आई वॉज लाइक, वो हाउ डू यू नो मी? एंड ही वॉज लाइक कि मैंने आपको वीडियो देखा है, लखनऊ महोत्सव वाला वीडियो था एंड इट वॉज प्रिटी गुड एंड ये सब चीज़. तो ऐसा अननोन लोग, और ऐसा 2-3 बार हुआ है. सो आई गेस मेरे हिसाब से मेरी यूट्यूब जर्नी का सब बेस्ट मेमोरीज यही है कि जो अनजान लोग ऐसे आके अप्रिशिएट करते हैं कि वॉट वर्क यू आर डूइंग इज ग्रेट, आई कनेक्ट टू यू, आई कनेक्ट टू योर थिंग्स, एंड ये सब चीज़ें बोलते हैं ना कि अनजान लोगों से भी कनेक्शन बनना, दे टॉक टू मी एज इफ दो दे नो मी ऑलरेडी, एंड दैट फील्स ग्रेट. सो या दैट्स माई बेस्ट मेमोरी ऑफ माई यूट्यूब जर्नी सो फार. Moving on to our next question. Next question is by Vishal_Rai108. Chatti Valley Cut vlog kab upload kar rahe? I guess by Chatti Valley he meant Spiti Valley. तो देखो भाई, उस वीडियो मैंने explain किया था Spiti Valley का, it was a failed Spiti ride, हम लोग पूरा कर नहीं पाए थे. तो उसका ऐसे लद्दाख की तरह day wise vlog नहीं आने वाला है, but and it's cancelled and I'm not even footages है मेरे पास, but I'm not making that because कुछ ऐसा कंटेंट स्टोरी लाइन नहीं है, वही सड़कें वही सब चीज़ें, लेकिन मज़ा नहीं आएगा. एंड बात रही टट्टी वैली की, तो एक टट्टी वैली का ब्लॉग उधर बाद में बन सकता है, जो आई डोंट नो व्हाट द फक आई एम टॉकिंग अबाउट. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय i.m.divya.dv.singh. सो दोज ऑफ यू डोंट नो, लखनऊ में एक यूट्यूबर थे इंडियन एस्फाल्ट करके, वन ऑफ माई बेस्ट बडीज इन यूट्यूब कम्युनिटी, ही वॉज ऑल्सो मोटो ब्लॉगर, तो वो अच्छे दोस्त थे. बट Bro, what did you ask? इसने मेरे से पूछा कि who's better, Mr. B Vlogs or Indian Asphalt? So, Devya bhai, Indian Asphalt. So, Devya bhai, देख, तेरी एडिटिंग बहुत awesome है, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह बहुत प्रॉपरली करता है, तेरी फुटेज काफ़ी अच्छी दिखती है, तेरा वॉइस ओवर, तेरा बात का तरीका ऑल इज ऑसम, बट बेस्ट तो मिस्टर V ही रहेगा. I'm just kidding bro, I love your channel, I love your work, and mil gaya tabhi bahut din ho gaya tha mil gaya tha video banate. So moving on to our next question. Next question is by Bunny Pardo, you know, like Bugs Bunny. Alright, so his real name is Akshay Lakhmani, and Akshay Lakhmani mujhse puchta hai, what was the purpose or reason, a specific aim that you want to convey your audience through your channel? ब्रो, ऐसा कोई मेरा स्पेसिफिक एम या वैसा कुछ नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वीडियोज, आई लव मेकिंग वीडियोज, एंड द थिंग अबाउट डूइंग यूट्यूब ना, कि आई डोंट नो यू गाइज मे रिलेट और नॉट, देखो व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो अच्छा सबको लगता है, अच्छा मुझे भी लगता है, पैसे आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. बट द थिंग इज ना कि यूट्यूब अगर मैं कर रहा हूँ, मैं वीडियोज अभी भी बना रहा हूँ, तो इट्स जस्ट बिकॉज आई लव डूइंग दिस, एल्स कब का मैं बंद कर चुका हूँ. तो बिकॉज ऑलमोस्ट 1.5 साल के ऊपर, 2 साल के आएगी अराउंड हो गया, एंड मेरे बस 3 हज़ार सब्सक्राइबर हैं. सो मे बी आई जस्ट बी एबल टू इंस्पायर सम पीपल टू डू गुड एंड टू डू समथिंग. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग विद द प्रॉब्लम क्या लोग, पीपल जस्ट डोंट डू एनीथिंग. सो मे बी आई डोंट एग्जैक्ट वैसा कुछ पर्पस या वो नहीं है इसके पीछे की मैं यूट्यूब वीडियोज एज ऑडियंस के परस्पेक्टिव से क्यों बनाता हूँ. सो यार जो भी मुझे अच्छा लगता है, जस्ट रिकॉर्ड, एडिट एंड अपलोड. So now moving on to our next question, and I'm just loving this. Hey, how am I doing? क्या कैसे कर रहा हूँ मैं? बढ़िया लग रहा है ना? हाँ ठीक है ना? ठीक तो मैं अच्छा लग रहा हूँ. क्या क्या शेयर कर रहे हो? Everything. Okay, so the next question is from Nikki.datebio. Okay, so okay, her name is Nikita Singh. तो इन्होंने भी मुझसे बहुत से ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन पूछे हैं, 7 में से लाइक गोइंग टू चूज एनी वन क्वेश्चन. सो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट
अगला क्वेश्चन इज हैव यू एवर चीटेड स्लैश बीन चीटेड ऑन क्वेश्चन मार्क देन ब्रैकेट में इन अ वे नॉट जस्ट रिलेशनशिप वर्क. सो दैट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक. Just kidding. I'll be very honest and I know this is going on the record, but yes, I have cheated. रिलेशनशिप में जब मैं था तो मैंने चीट किया है. नो वन इज परफेक्ट. आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट. मैंने भी गलतियाँ की हैं. गलतियों से मैंने सीखा है. दो एम एंड इट हैज यू नो दिस चीटिंग एंड ब्रेकअप्स एंड ऑल हैज मेड मी द पर्सन आई एम टुडे. आई हैव लर्नड अ लॉट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग. एंड हैव आई बीन चीटेड? सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यस, अभी रिसेंटली. एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम. देखो मेरे साथ एक सीन है ना कि जब मैं लोगों से दोस्ती करता हूँ ना तो आई जस्ट यू नो आई डोंट गो बाय लाइक कि मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है उसके साथ. मैं डिसाइड नहीं करता. आई जस्ट गो विद द फ्लो. इफ इट हैपेंस आई जस्ट मेक फ्रेंड्स विद समवन. एंड ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे दोस्त हो जाते हैं, लोग चार अच्छी चीज़ बोल देते हैं मेरे से. मुझे लगता है कि लोग अच्छे लोग हैं. एंड देन आई स्टार्ट टॉकिंग एवरीथिंग. आई स्टार्ट टेलिंग एवरीथिंग अबाउट मी टू देम. आई स्टार्ट ओपनिंग माई सीक्रेट्स जो पहले ऐसा ज़्यादातर मैं करता था. एंड फिर वो लोग मजे लेते हैं. दे बैकस्टैब और एनीथिंग. सो या दोस्ती के मामले में मेरा बहुत कटा है. प्यार के मामले में मेरा दो तीन बार कटा है, बट दोस्ती के मामले में मेरा बहुत ज़्यादा कटा है. सो या दैट्स द थिंग कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता था. नॉट नाउ. अभी तो मेरे को ट्रस्ट इतना गंदा ट्रस्ट शुरू हो गया कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं. खुद पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रस्ट नहीं है मेरे को. बट बैड थिंग. बट एनीवेज यार, सो द थिंग इज यस, मैंने चीट भी किया है एंड मैं चीट हुआ भी हूँ. सो यू कैन से कर्मा इज अ बिच. जैसा करते हो वैसा बढ़ते हो. सो या आई गेस. सो ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. एंड आई होप कि आपको Q&A वीडियो देखने में मजा आया. तो विद दैट सेड गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया, आपको कोई और क्वेश्चन है, तो अपना नेक्स्ट Q&A रखेंगे. अभी मेरे 3,500 सब्सक्राइबर्स हैं. मोस्ट प्रॉब्ली 4,500 सब्सक्राइबर्स पे या 5,000 सब्सक्राइबर पे अपना नेक्स्ट Q&A में रखूंगा. सो विद दैट सेड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा किसी भी तरीके से, तो डू हिट द लाइक. कुछ और पूछना, वार्तालाप वगैरह करनी है तो कमेंट में बता दो मेरे को. एंड मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर तो डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. ये नीचे कहीं पे इधर वो इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा. एंड विद दैट सेड गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस. भूख लगी है, कुछ निकाल रहे खाने को.